हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिल्ड्रेन एजुकेशन टू एम की एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक अंक का गुना, और वो भी बहुत ही आसान तरीकों से। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जोर से देखिएगा, जिससे कि आपको आसान तरीकों से समझ में आएगा और आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से करते हैं स्टार्ट। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिल्ड्रेन एजुकेशन टू एम की एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज हम सीखेंगे एक अंक का गुना, जिसको इंग्लिश में वन डिजिट मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये है हमारा गुने का चिन्ह। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें 4 को 2 से गुना करना है। तो अब यहाँ पे बात आ गई कि हम गुना को करें कैसे। तो दोस्तों, गुना को करना बहुत ज्यादा आसान है, देखिए इसको किया कैसे जाता है। तो दोस्तों, गुना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 के पहाड़े 2 बार पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम 4 के पहाड़े 2 बार पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दोना 8। तो दोस्तों, 4 के पहाड़े 2 बार पढ़ने पर क्या आया, 8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 को लिख देंगे, और दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों, है ना ये आसान। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन को बनाते हैं, जिसकी मदद से आपको और भी अच्छे से समझ में आए और आप कोई भी गलती ना करें। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें 8 को 3 से गुना करना है। तो गुना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 के पहाड़े 3 बार पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम 8 के पहाड़े 3 बार पढ़ते हैं। 8 एकम 8, 8 दोना 16, 8 तिया 24। तो दोस्तों, 8 के पहाड़े 3 बार पढ़ने पड़ क्या आया, 24। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 24 को लिख देंगे, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन को बनाते हैं, जिसकी मदद से आपको और भी अच्छे से समझ में आए और आप कोई भी गलती ना करें। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें 6 को 5 से गुना करना है। तो गुना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 के पहाड़े 5 बार पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम 6 के पहाड़े 5 बार पढ़ते हैं। 6 एकम 6, 6 दोना 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30। तो दोस्तों, 6 के पहाड़े 5 बार पढ़ने पड़ गया 30। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30 को लिख देंगे, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन को बनाते हैं, जिसकी मदद से आपको और भी अच्छे से समझ में आए और आप कोई भी गलती ना करें। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें 3 को 4 से गुना करना है। तो गुना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 के पहाड़े 4 बार पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम 3 के पहाड़े 4 बार पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दोना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो दोस्तों, 3 के पहाड़े 4 बार पढ़ने पड़ क्या आया, 12। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 को लिख देंगे, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप दोस्तों, आपको गुना तो बनाना आ गया होगा। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।